प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए 19 नवंबर को मतदान किया जा रहा है। ऐसे में सभी दलों के प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। उम्मीदवार और उनके समर्थक वोटरों के पास वोट मांगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई बिरयानी खिला रहा है तो कोई वोटरों के पैर में गिरकर वोट करने की अपील कर रहा है। ऐसे ही अध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार हैं दीपांकर प्रकाश। जाप पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी दीपांकर छात्राओं के कदमों में गिर पड़कर अपने पक्ष में समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। दीपांकर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कई तरह के वादे भी कर रहे हैं। दीपांकर का कहना है कि छात्र छात्राओं को 24 घंटे मुफ्त लाइब्रेरी एवं पटना में बन रहे मेट्रो में यात्रा करने की मुफ्त सुविधा मिलनी चाहिए। जाप उम्मीदवार ने कहा कि जीतने के बाद वो अपने ये सभी वादों को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इसके लिए वो वोटरों के सामने दोनों हाथ जोड़कर और उनके कदमों में माथा टेककर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। जाप पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए खड़े उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। अब इस बात का फैसला तो 19 नवंबर को ही होगा कि छात्र संघ के इस चुनाव में किस पद पर किसकी विजय होती है। हालांकि कोई भी उम्मीदवार प्रचार प्रसार में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।